यतिर्जातम् अतिर्जनित्यम् द्यौ शांति अंतरिक्षकुं शांति पृथ्वी शांतिरापः। दो और चंदन दो। काहे दोनों जलाता हूँ? नहीं, क्या मत जलाओ ज्यादा। हम चारों पेरेंट्स का जो भी है वो 24 तारीख को होना है, वो बड़ा फंक्शन है, उसमें करीब 200 के आसपास लोग रहने वाले हैं। तो यहाँ पर है मेरे मम्मी पापा की फोटो भी आने वाली है। हाँ बाय। हाँ मालूम है, कल पापा जी का ना वो है श्राद्ध का, तो पूजा कल 13 तारीख की पड़ रही है, मतलब कुछ तिथि के हिसाब से पड़ता है। तो 24 तारीख को तो हमारा दूसरा प्लान है, जो कि हमने दूसरी जगह जाना है, उसका आपको ब्लॉग में आगे जाके पता चल जाएगा। ये वाली जो पूजा है ये कल रखी गई है 13 तारीख की। हमारे घर के बगल में स्कूल है, वहाँ पर कार्निवल चल रहा है, मतलब हर जगह पर अभी तो स्कूल का एनुअल फंक्शन चल ही रहा है ना, तो जैसे वैसे यहाँ पर कार्निवल चल रहा है। बच्चे भी यहीं पे आए हुए हैं, हम लोग तो मार्केट के लिए निकल चुके हैं, बच्चे लोग यहीं पे अपना मस्ती वस्ती करें अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ आए हुए। सबसे पहले हम लोग आए हैं गद्दे की शॉप पे, यहाँ पर बच्चों के रूम का जो गद्दा है वो नया वाला बनवा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा मोटा बनवा रहे हैं बॉन्डेड डलवा के। मोटापे में आप मान लीजिए कि 3-4 इंच का ठीक है। इसे दो साइज बड़ा कुर्ता पजामा चाहिए, कुर्ता ये वाला दो साइज बड़ा चाहिए, 44 चाहिए। बाहरी रख देंगे? नहीं नहीं, हाथ में पकड़, मुड़ जाएगा कुछ नहीं अभी ले, क्योंकि थैला मैं टांग के ले चलती हूँ, आराम से रख दे। ओके धन्यवाद, थैंक यू, चलिए बाय। थैंक यू, बाय। हो गया, थैंक यू। ज्यादा दिया तुमने, कितना हुआ था आपका? कितना हुआ था? हाँ यही है, कितने का? 10 रुपए। 20 रुपए। 20 का इसमें, इसका खुशबू भी आएगा और इसका भी खुशबू, दोनों खुशबू आएगा। आपके हिसाब से क्या ज्यादा अच्छा होगा वो बताएगा? हम लोग ज्यादा मेरे पास एक्चुअली वो है उनका ना लाल रंग की, मैंने नीचे बिछाई हुई है, तो वो यहाँ पे रख दे इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर रख देते। अच्छा, तो हमेशा पूजा करते लेके जाते हैं, ये बहुत सुंदर सी हाथ मिले तो वही लेते। नहीं, मैंने कुर्ता हो गया हमारा, और अक्षत का चावल हो गया, पूजा का सारा सामान हो गया, और क्या बचा? फूल हो गया, फूल भी ले लिया है, तेल भी ले लिया है, पत्तल 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 लेके पत्तल वो लेके आएंगे, अपने को नहीं लाना है बाकी। अभी वो चलते हैं, वो जो बोला था ना अब्दुल भाई वो दुकान। अच्छा हाँ, अरे रुको मेरे को टमाटर ले लो, मैं आगे ढूंढ रही थी और यहाँ पर है, देखो पहले वाले में देख रही थी। कॉटन दिखाई, कॉटन अच्छा मिक्स है, ये अच्छा लग रहा है, इसमें देखो ये अच्छा है, ये अच्छा है। नहीं मेरे को थोड़ा यहाँ पे काम है, 2 मिनट। हाँ तो मेरे काम का सामान है यहाँ पर, रुकिए तो सही। एक सिंगल ब्लैंकेट बताइए तो। हाँ बड़े बड़े बस लास्ट है, इधर से चलते हैं, मतलब बच्चों का पिज्जा लेके। एक्चुअली वेट कर रहे थे तो काफी देर से, और क्योंकि पहले हाथ में बहुत सारा सामान था, 4-5 थैले थे भर के जो हमने भी शॉपिंग किया, तो उसके बाद ना हाथ में जगह नहीं थी, और हमें मेरा फोन था थैले में। ननिया क्या, वही इनका वही काम है, उसको बाहर निकाल दिए। पिज्जा खाना है या नहीं खाना है? रोज फोटो भेजनी रहती है भाई। ये क्यों ऐसा क्यों? वो स्ट्रीक्स बनती है हर खाने की, हर खाने की कुछ भी भेज सकते। अच्छा जी,
दो मिनट ठीक है। तो अब क्योंकि हम घर आ चुके हैं और मैं थक गई हूँ, पूरी मार्केट घूमी हूँ, आपने देखा ही है पूरा का पूरा व्लॉग, और हाँ ये ऐसे ही चलता रहेगा। मैं इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ क्योंकि अब इसके बाद में मैं थोड़ा चाय बनाऊंगी, चाय पीना है, और कल का व्लॉग स्पेशल होने वाला है। प्लीज पश्चात भूमथो पुरातिर्जातम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी ओम सागर ओम आर्य आर्य मातृपिदम तिलोदकम नहीं राइट में रखिए, लेफ्ट से उठाइए राइट में रखिए। ओम पितृभ्य सुधायेभ्य सुधा नमः। ओम पितृभ्य सुधायेभ्य सुधाये नमः। अमुक नाम नाम ले लीजिए पिताजी का, गौतम गोत्रोत्पन्न अमुक शर्मा रुद्र स्वरूप वशुरूपात सर्व पित्रात्मा ऐसे भी इसको भी। ओम इदम मन्नम तृप्यताम ये जो सफेद चंदन है इस अंगुली से ऐसे लीजिए और एक एक पिंड पर ऐसे लगा दीजिए। ओम हरि हम से खंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम शु मनोहरम आटे से नहीं कोई दीपक हो हाँ है पीतल का तांबे का स्टील का जैसा भी हो। शुभकमाशीद बाहुराजन्य कृत उत दश्य वैश्य पदभ्याम को शुद्रुव जायत चंद्रमा मनुषो जात छसो सूर्यो जाय श्रोता द्वायुष्य प्राण। तदीयं वस्तु को ऐसे घुमा करके इसे छोड़ दीजिए। तदीयं वस्तु गोविंदम तुभिमे और कर दीजिए, पहले सफेद लगा दीजिए और माता जी को भी सफेद लगाइए, फिर जो है छोड़ दीजिए। ओम सिंदूर नहीं करते हैं सर हाँ हाँ, लेकिन ये भी जाने दीजिए। लाल चंद्र तो विराट जायत विराजो अधिपुरुष सजातो चले जब ये रखिए। और देखिए अभी तो आप जिसको जानते थे उसका तर्पण किए, हो सकता है कोई किसी को न जानते हो, जैसे बच्चा पेट से गिर गया उसका नाम नहींकरण किया गया, या हमारे कुल में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो प्रेत योनि में हो हम उसको जानते नहीं, हम आज इनको तर्पण कर रहे हैं तो भी लालायित हो गए होंगे कि हमारा तर्पण क्यों नहीं हुआ। सबका ध्यान कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, हमारे कुल में जो भी लुप्त पिंड उसको बोलते हैं जिसका नाम नहीं है जिसको हम नहीं जानते। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ओं येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन्द्रियानुदुर्धना विरक्षेमाचलमाचल रक्ष रक्षकराध्यक्ष रक्षत्रैलोकरक्षक भक्तानां भयं कर्त्रा त्राता भव भवाण्वाद्वयमातु कृपा सिन्धु शाला मातुराग्रो वरदस्तम वरम देह वाचित वाचितार्धत सर्वक्षेमाचलमाचल रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षक चल रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षक भक्तानां भयं कर्त्रा त्राता भव भवाण्वा द्वयमातु कृपा सिन्धु शाला मातुराग्रो है। रुमाल है, बनियान है। ओम हरि ओम नमो ब्राह्मण देव तो अशुभ का बताएंगे ना कि कभी है ठीक है। अपने क्या करते अगले संडे को बैठ जाएंगे, आप मेरे यहाँ ही भोजन कीजिएगा और थोड़ा चलिए ठीक है। भोजन करते हैं आप दूसरे के यहाँ पे? क्यों नहीं करेंगे भाई, नहीं क्योंकि हम लोग वो सब खाते हैं इसके लिए बोल रहे हैं। आप सात्विक भोजन बनाओगे ना हाँ। कोई जोरी नागनी पर जो भोजन बन गया जी तो बस शुद्ध हो जाता है। अच्छा फिर ठीक है क्योंकि भोसला वाला पंडित भाई फिर तो ठीक है क्योंकि आपके बर्तन में पानी नहीं पीऊंगा हाँ जी
पंडित जी बोल के गए ये जो दूध और पानी का जो भी हमारा तर्पण का निकला है इसको आपको किसी पौधे में डालना है, तो गार्डन में नीचे हमारे ही पौधे हैं तो उसी में डाल देंगे, और जो फल जो फूल है उसको जाके किसी पेड़ के नीचे ही रखना है, तो पीपल के पेड़ के नीचे चाहे जहां पर भी रख देंगे। तो अभी गैया मैया को खिलाने जा रहे हैं, उधर ही पीपल के पेड़ काफी सारे हैं, वहां पर फूल रख देंगे। गैया मैया को खिला के आ गए, दरवाजा खुला छोड़ के। आया कोई कुत्ता पुत्ता? जलने दो भी थोड़ा सा, ये मत जलाओ ये ज्यादा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, मैं पता नहीं है ना। अच्छा ठीक है, ओके। गैस सिम कर दो बंद करने की जगह। ये पैकेट आ गया, छोड़ हो रहा। दो और चंदन दो। काहे? दोनों जलाता हो? नहीं क्या, मत जलाओ ज्यादा, इतना काफी है। आज का दिन बहुत अच्छे से हुआ, पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई। अब जो 24 तारीख को हमारा फंक्शन है जो हमने करना है वो भी भगवान की कृपा से, पता नहीं क्यों बड़ा अंदर से ना पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान का आशीर्वाद है। बड़ों का आशीर्वाद आपके ऊपर जब होता है ना तो आपके हर काम बड़े स्मूथली, आपको पता भी नहीं चलता, आपके रास्ते बनते जाते हैं और वो काम होते जाते हैं। मतलब जो जो हमने सोचा था आज के लिए करना वो भी बहुत स्मूथली हो गया। जैसा कि आपने देखा ही, कल हम लोग जो शॉपिंग वगैरह करके आए बड़े आराम से हर चीज़ मिल गई। इनफैक्ट कपड़े इतने अच्छे मिले, कल मैं आवी के लिए भी कुर्ता पजामा लेके आई, जो आपने बाद वाली देखा है ऑरेंज वाला, वो आवी के लिए लिया। इतना अच्छा लग रहा है उसने पहन के आज दिखाया। 24 तारीख को जो फंक्शन है, मतलब जिस दिन हमने पापा जी अम्मा जी का अम्मा का वो करना है, और मेरे मम्मी पापा का भी उसमें रहेगा, मतलब हम चारों पेरेंट्स का जो भी है वो 24 तारीख को होना है, वो बड़ा फंक्शन है, उसमें करीब 200 के आसपास लोग रहने वाले हैं, तो वो काफ़ी अच्छा सा रहेगा। और मतलब एक तसल्ली है कि हम वो काम कर रहे हैं, भगवान ने हमें मौका दिया, मेरे पेरेंट्स ने, जो सास ससुर हो चाहे मेरे मम्मी पापा हो, इनका आशीर्वाद हमारे सर पर बना हुआ है, तो हम आज ये सब करने में सक्षम हो पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ स्मूथली, रास्ते खुलते जा रहे हैं और हम जो जो हमारे दिल में आ रहा है हम उन सब कामों को कर रहे हैं। आशीर्वाद एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। पंडित जी आज इतना कुछ हमें बताए, इतना कुछ समझाए, मतलब ऐसा लगता है कि वाकई में भगवान सेकेंड नंबर पे आता है। पेरेंट जो हमारे सामने होते हैं वही हमारे भगवान होते हैं। अगर हम उन्हीं को अच्छे से पूछ लें उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। तो आशा करती हूँ, मैं इसी आशा के साथ में एक्चुअली इस व्लॉग का यहीं पे ऐड करती हूँ, क्योंकि रात हो चुकी है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं 10 बजने वाले हैं, बच्चे लोग नीचे, फंक्शन है, कार्निवाल चल रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ पर जो बगल में स्कूल है वहाँ पर कार्निवाल चल रहा है, तो बच्चे लोग वहाँ गए हुए हैं क्योंकि वहीं पर वो लोग अपना मस्ती वस्ती कर रहे हैं उसके फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। आवी नोनी दोनों गए अपने फ्रेंड्स के साथ में, वो लोग वहाँ पर हैं। हम लोग अभी आए हैं बाहर से क्योंकि हमें थोड़ा सा अभी काम बाकी था, जो आगे के लिए जो 24 तारीख है उसकी भी थोड़ी सी अभी तैयारी अभी से हम लोग सोच रहे कर लेंगे। 24 तारीख आने में भी ज़्यादा दिन नहीं है, मुश्किल से अभी 12-13 दिन बचे हैं, तो थोड़ा सा अभी कुछ परचेजिंग बाकी है, तो ऑर्डर देने पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि परचेज करनी है, ऑर्डर पहले से देना पड़ेगा। तो हम लोग अभी वहाँ से आए हैं, खाना खाने का किसी का मन नहीं है क्योंकि शाम को हमने 5 बजे लंच किया है। बच्चे लोग तो बाहर से अपने वहीं कार्निवल में खा पी के आ रहे हैं, जो भी अटरम शटरम है, पानी पूरी, समोसा वोसी सब वो खाने वाले हैं। रणधीर बोले मैं नहीं खाऊंगा, दूध पी के सोऊंगा। मेरा भी यही सीन है, दूध पी के सोऊंगी, लेकिन उसके पहले मुझे मेरा वीडियो एडिट करना है वो करूँगी, और चाय पियेंगे और उसके बाद हम लोग भी अब सोएंगे। मिलते हैं आपसे कल, वीडियो व्लॉग तो कल आने वाला है जो ब्यूटी चैनल पर आएगा, मेन चैनल पर, और व्लॉग जो है वो आपको एक दिन के बाद में देखने को मिलेगा। आशा करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, आपका प्यार मुझे मिल रहा है, इतना मेरे लिए काफ़ी है। धीरे धीरे हमारी ये फैमिली भी बड़ी होती जाएगी। पेरेंट्स का ख्याल रखिए, आप जितना हो सके उनके साथ अपनी बातें शेयर करिए, जितना हो सके उनके साथ बैठिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार किसी आदमी के जाने के बाद में फिर आप उनको दोबारा नहीं पा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अब ये जो दोनों हैं यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, अम्मा पापा जी, बाबा तो है लेकिन अम्मा पापा जी की फ़ोटो यहाँ पर है, मेरे मम्मी पापा की फ़ोटो भी आने वाली है, मैंने दे दी है बनने के लिए। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस इसी आशा के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ अपना ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक।